अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है ज़िशान परवेज़ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव टेक चैनल। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें जज्बात भी शामिल होते हैं। खिलाड़ी अपने जज्बात का मुजाहिरा ताकत की सूरत में करते हैं। एक बॉलर अपने गुस्से और ताकत का इजहार बाउंसर की सूरत में करता है और बाउंसर बॉलर के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो बैट्समैन को डरा भी सकता है और जख्मी भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की तारीख के 10 खतरनाक बाउंसर दिखाएंगे जिनसे बैट्समैन ना सिर्फ जख्मी हुए बल्कि कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। नंबर 10, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले एक टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन बाउंसर पर बाउंसर किए जा रहे थे। ऐसे ही एक बाउंसर का सामना डैनियल फ्लाइन ने किया जिसे खेलने में वो नाकाम रहे और बॉल हेलमेट से गुजरती हुई इनके जबड़े में जा लगी। ये बॉल इतनी तेज थी कि डैनियल फ्लाइन के दो दांत टूट गए और वह जख्मी हालत में ज़मीन पर गिर गए। हेलमेट बैट्समैन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है लेकिन डैनियल की किस्मत इतनी ख़राब थी कि हेलमेट ने इन्हें बचाने से इनकार कर दिया। नंबर 9, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर एक ऐसे बॉलर थे जिनका सामना दुनिया के नामी ग्रामी बैट्समैन करने से कांपते थे क्योंकि इनके पास रफ्तार ही नहीं बल्कि ये दुनिया क्रिकेट में अपनी दहशत की वजह से जाने जाते थे। नाजरीन, एक दफ़ा दुनिया क्रिकेट के बैट्समैनों के बादशाह ब्रायन लारा का सामना शुएब अख्तर से हुआ जिसका भारी बल्ला दुनिया क्रिकेट के बॉलर्स के छक्के छुड़ा देता था। ये दिसंबर 2004 का एक खुशगवार दिन था मगर लारा के लिए बदतरीन साबित हुआ जब इनका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर से हुआ। उस दिन जब लारा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए तो शुएब ने इनके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। इसके बाद शुएब अख्तर वेस्टइंडीज के बैट्समैनों को परेशान करते रहे मगर ये परेशानी आफत में तब बदली जब शुएब की 148 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आती हुई गेंद लारा की गर्दन पर जा लगी। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता है इनको बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आता है। शुएब की गेंद लगने के बाद ये उसी वक्त जमीन पर ढेर हो गए और इस मैच में रिटायर होना पड़ा। इस चोट के बाद लारा इस खेल के मैदानों से गायब रहे। नंबर 8, इरफान पठान। वैसे तो इंडियन बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये बाउंसर्स नहीं करते लेकिन इरफान अपने दौर के खतरनाक बॉलर थे जिसका इजहार इन्होंने इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच के दौरान किया जब जिम्बाबियन बैट्समैन ने इरफान की बॉल को पुल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे और गेंद हेलमेट की जाली से होते हुए इनके मुँह पर जा लगी। गेंद इतनी तेज थी कि बैट्समैन कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठे और इस मैच से रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। नंबर 7, ब्रैटली। दोस्तों, जब तेज गेंदबाजों की बात करें तो ब्रैटली का नाम भी जहन में आता है। एक मैच के दौरान वेस्टइंडीज के बैट्समैन चंदर पोल और ब्रैटली का सामना हुआ जब ब्रैटली अपने पीक टाइम पर थे और गोली की रफ्तार से बॉल करने की वजह से जाने जाते थे। इस मैच में ब्रैटली का एक ऐसा ही तेज रफ्तार बाउंसर चंदर पोल के सर पर जा लगा। बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर ढेर हो गए। इसके बाद मेडिकल टीम ने इनको उठाया। चंदर पोल की किस्मत अच्छी थी कि वो बड़ी चोट से बच गए। नंबर 6, शुएब अख्तर। दोस्तों, आईने मिलती हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन प्लेयर गैरी क्रिस्टन से। ये भी अपने कैरियर के अरूज पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के गजब का शिकार हुए। ये किस्सा अक्टूबर 2003 का है जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच हो रहा था। दूसरी जानब शुएब अख्तर अपनी आबोताब से बॉल करवा रहे थे कि अचानक शुएब का एक तेज बाउंसर जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी गैरी के हेलमेट पर लगा और ये जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। बॉल की रफ्तार से गैरी के हेलमेट की ग्रिल टूट गई जिसकी वजह से इनके जबड़े की हड्डी को शदीद चोट लगी और खून की नदी इनके चेहरे से बहने लगी। इसके बाद ये काफी अरसा खेल के मैदानों से दूर रहे। नंबर 5, मोहम्मद इरफान। क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे लंबे बॉलर मोहम्मद इरफान का एक ऐसा बाउंसर है जिसे कभी नहीं बुलाया जा सकता। 2015 में वनडे मैच के दौरान मोहम्मद इरफान का एक तेज रफ्तार बाउंसर जिसे जिम्बाब्वे का बैट्समैन खेलने में नाकाम रहा और बॉल सीधी बैट्समैन के सर पे जा लगी जिसकी वजह से ये अपना बैलेंस खो बैठे।
और मुंह के बल नीचे गिर गए। एक लम्हे के लिए इस खिलाड़ी की हालत ने जिम्बाब्वे की टीम समेत पाकिस्तानियों को भी परेशान कर दिया। इसके गिरने के अंदाज से ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी चोट लगी हो, मगर हेलमेट ने इनकी हिफाजत की। नंबर 4, लसित मलिंगा। दोस्तों, नंबर 4 पर लसित मलिंगा का एक खतरनाक बाउंसर है जिसमें राइली रूसो खूनो खून हो जाते हैं। दरअसल ये क्रिकेट लीग का मैच होता है जब साउथ अफ्रीकन बैट्समैन राइली रूसो यॉर्कर मास्टर लसित मलिंगा का सामना करते हैं और तेज रफ्तार बाउंसर को पुल करने के चक्कर में नाकाम हो जाते हैं और बॉल इनके हेलमेट को तोड़ती हुई इनके मुंह पे जा लगती है। इसके बाद रूसो जमीन पे गिर जाते हैं और इनकी आंख के करीब से खून बहने लगता है। नंबर 3, अनवर अली। अनवर अली पाकिस्तान के एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर हैं। इनकी रफ्तार से ऐसा नहीं लगता कि ये इतने खतरनाक बाउंसर भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड के बैट्समैन की किस्मत में ये लिखा होता है जब अनवर अली का एक स्लो बॉल पे किया गया बाउंसर इस कदर खतरनाक साबित होता है कि कीवीज का बैट्समैन मुंह के बल नीचे गिर जाता है और अपनी आंख जख्मी करवा लेता है। इसलिए तो कहते हैं, मैदान जंग का हो या खेल का, किसी को हल्का लेना बेवकूफ़ी है। नंबर 2, जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, ये क्लिप 2020 में होने वाली एशिज का है जब इंग्लैंड के उभरते हुए तेज तरीन बॉलर और ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बैट्समैन आमने सामने होते हैं। तब स्मिथ आउट होने का नाम नहीं लेते, जिस पर जोफ्रा आर्चर को गुस्सा आ जाता है और वो बाउंसर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक बाउंसर जिसकी रफ्तार 154 किलोमीटर फी घंटा थी तेजी से स्मिथ की तरफ आ रहा था, जिससे बचने के लिए स्मिथ नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं, मगर बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनको नीचे झुकने का मौका नहीं मिलता और बॉल सीधी इनकी गर्दन पर जा लगती है, जिसकी वजह से ये जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ये लम्हा शायकीन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर समेत इंग्लैंड की पूरी टीम को परेशान कर देता है, क्योंकि ऐसा ही एक बाउंसर ऑस्ट्रेलिया टीम के बैट्समैन की जान ले चुका था। नंबर 1, फिल होग्स डेथ। नाजरीन, साल 2014 क्रिकेट की तारीख का एक स्याह तरीन साल था, क्योंकि इस साल दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। 25 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिल होग्स एक बाउंसर का सामना करते हुए इंजरी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद मुकम्मल बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। डॉक्टर्स अगले 24 घंटे नहायत अहम करार देते हैं और दवाएं मांगने की अपील करते हैं। इस वाक्य ने क्रिकेट नेशन पर इतना ज्यादा असर छोड़ा कि हर जगह फिल होग्स की सेहत याबी की दुआएं की जाने लगी। मगर इस हादसे के 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे खेलने वाले फिल होग सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। इनकी मौत ने कई नामवर क्रिकेटर्स जैसे माइकल क्लार्क और मिचेल जॉनसन के कैरियर पर गहरा असर डाला। इस वाक्य के बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइन भी मुतासिर हुई और कुछ अरसा तक बाउंसर करने से बॉलर डरते रहे। क्रिकेट का ये वाक्या शायकीन ने क्रिकेट को झंझोड़ कर रुला देने के लिए काफ़ी था, जिसकी वजह एक बाउंसर बनी। दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा हम सब के फेवरेट मिस्टर 360 से हुआ जब ये शॉन टेट की बॉल पर बुरी तरह इंजर्ड हुए। ये बात है 2009 की, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 मैच हो रहा था। साउथ अफ्रीका को मुकर्रर 20 ओवर में 183 रन्स दरकार थे और इनकी पहली विकेट गिर चुकी थी। इस मैच के दूसरे ओवर में शॉन टेट की फेंकी गई बॉल जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी, एबी ने इसे अपने रवायती अंदाज में पुल करने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले का बारी किनारा छूने के बाद इनकी दाई पसली में जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एबी अपना बैलेंस खो बैठे और मुंह के बल नीचे गिर गए। इसके बाद एबी को शदीद दर्द में देखा गया और रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में सबसे खतरनाक बाउंसर के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।